आप सबका कॉमेडी नाइट्स में बहुत बहुत स्वागत है। पाजी, आपको क्रिकेट का कौन सा फॉर्मेट सबसे ज्यादा पसंद है, T20, वनडे या टेस्ट? T20? वो क्यों? क्योंकि देखो, धीरे धीरे वाला काम नहीं होना चाहिए। आजकल श्याओ चटमंगनी पट गया। पाजी, लेकिन मुझे फॉर्मेट कोई भी हो, हाँ, मुझे मजा आता है जब हमारे इंडियन टीम के बैट्समैन जो हैं, हाँ, थड़ा थड़ पिटाई करते हैं ना दूसरे वाले बॉलर्स की, फिर बड़ा मजा आता है, उनको तसल्ली होती है मैच, हाँ, देख के। श्रीकांत टाइप, बिल्कुल, ठोको बस, ठोको, सो ऐसे ही एक धुरंधर जो है उनको आज हम यहाँ पे इन्वाइट कर रहे हैं। ऑलराउंडर और खतरनाक बल्लेबाज मिस्टर सुरेश राणा। यार मैं ना जब कोई क्रिकेटर आता ना तो घबरा जाता हूँ। क्यों? क्योंकि क्रिकेटर आते ऐसे धांसू हैं कि सागर को गागर में डालूं कैसे, मेरी भी शायरी खत्म हो जाती, कसम से बोल रहा हूं तेरे। कसम से कह रहा पर जब हम लोग क्रिस गेल को देखते हैं ना, हाँ, तो देखते हैं उनके एक्सप्रेशन से लगता है कि ये बंदा शॉट मारेगा तो सिक्सर ही मारेगा। जब हम सुरेश को देखते हैं तो इतना इनोसेंट फेस, ऐसे लगता है कि ये शॉट मारेंगे तो मेरे ख्याल से फील्डिंग भी खुद ही करके दे देंगे, ले भाई मैंने मारा। लेकिन फर्क है, सिद्धू को हाथ लगाओ लगता है यार ठंडक सी पड़ गई, इसको हाथ लगाओ करंट मारता है। 240 वोल्ट का करंट है। मैंने अपनी जिंदगी में इतना तगड़ा फील्डर अजरुद्दीन के बाद अगर देखा है तो रायना। अरे क्या बात है। लेकिन ये भोला भाला दिखने वाला प्राणी जो है, हाँ, ये सबसे खतरनाक प्लेयर है। IPL में 3000 स्कोर बनाने वाले ये पहले खिलाड़ी है। साथ ही साथ IPL में 100 छक्के मारने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी है। इन्होंने IPL, चैंपियन लीग और T20 में हर जगह सेंचुरियां ठोकी है। इतना ही नहीं, इन्होंने IPL में सबसे ज्यादा कैच यानी कि 52 कैचेस पकड़े हैं। सुरेश भाई, नहीं, इतने सारे रिकॉर्ड्स, बड़ी तगड़ी किताब पढ़ के टीम के लिए खेलते हैं कि गिनीज बुक के लिए खेलते हैं? नहीं, जब खेलते हैं तो बिल्कुल अंदर से जोश रहता है। जैसे सिद्धू पाजी ने बोला कि जब देश के लिए खेलते हैं या किसी क्लब के लिए खेलते हैं तो स्टार्ट करते हैं, मोमेंटम बन जाता है वो। तो कुछ लोग देखने से खतरनाक लगते हैं, कुछ लोग सुमड़ी में घूमड़ी बन के अपना काम करते हैं। देखो सुरेश जो है, बड़े ही छोटे से कस्बा है मुरादनगर, दिल्ली से अगर आप यूपी की तरफ बस में जाओ तो मुरादनगर कस्बा आता है, और वो इतनी छोटी जगह कि वहां बस भी नहीं रुकती है। ओ, या उससे एक स्टॉप पहले रुकती है या आगे जाके मेरठ में रुकती है। जी जी। वहां पे रुकना हो तो आपको बहाना लगाना पड़ता है, भाई साहब उल्टी आई तो हम रुकेंगे। आपसे बातें चलती रहेंगी, प्लीज आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। अच्छा सचिन सर हमारे शो में अभी तक आए नहीं है, लेकिन क्रिकेट की अगर बात चले तो सचिन तेंदुलकर का जिक्र ना हो मेरे ख्याल से वो बात अधूरी है। अच्छा, उनके और क्या क्या शौक है? मैंने सुना वो म्यूजिक काफी सुनते हैं वहाँ पे। वो किशोर कुमार के काफी सारे गाने पसंद हैं। अच्छा। और बपीदा के, रफी साहब के। लेकिन जब ड्रेसिंग रूम का माहौल बनता था तो उनका गाना कोई चेंज नहीं कर सकता। अच्छा। जब तक वो पैड पहन के बैठे और जब वो बैटिंग करने जा रहे हैं, और जब उन्होंने अपना गाना लगाया तो 100 रन तो बनना ही है। तो ऐसा कोई मतलब पर्टिकुलर सॉन्ग है कोई? कौन सा सॉन्ग है वो जो अक्सर लगाते हैं वो? नहीं, किशोर कुमार के सारे गाने। अच्छा। और उसके बाद बपीदा सर के गाना था, कौन सा गाना? याद आ रही है, याद आ रही है, ये वाला? नहीं नहीं, वो थोड़ा, हाँ, अच्छा, याद आ रहा, वो वाला। अच्छा, तो सचिन सर तो शादीशुदा है। अच्छा, भाभी की याद आती होगी, मे भी ऐसे नहीं देखना, वो क्रिकेट के गॉड है वो। सचिन सर के लिए एक बार ताली हो जाए। अच्छा सुरेश, मुरादनगर से निकल के दिल्ली आना, वहां पे खेला आपने, दिल्ली के बाद मुंबई आए होंगे आप, फिर उसके बाद जब आपने पहला फॉरेन ट्रिप लिया उस समय कितना मजा आया आपको देख के, पहली बार फ्लाइट में बैठना और नेशनल टीम के लिए, अपनी इंडियन टीम के लिए जा रहे हैं, तो कैसा? नहीं, अच्छा था। और पहले तो यूपी रोडवेज की बसों में ही धक्के खाते थे जी। बड़ा मुश्किल होता था। और सबसे बड़ा था कि आप जब हॉस्टल से किट बैग लेके आते थे तो जितनी मोहल्ले की आंटियां थी पूछती थी, बेटा क्या बेच रहे हो? उनको काफी बड़ा सा बैग होता है, उसमें बैग्स, पूरा हेलमेट सब रखना होता है। तो सब तीन चार होते आगे पूछे, पक्का ये साड़ी या सूट वाला कोई लग रहा है, इसके पास कुछ है? कभी फ्लाइट नहीं देखी थी, कभी ट्रेन में भी जाते थे जनरल डिब्बे में तो पेपर बिछा के सो रहे हैं, टिकट भी नहीं होता था कभी कभी। लेकिन फिर जब फ्लाइट में फर्स्ट टाइम पूरी टीम थी हमारी अंडर 19 की 2002 में, तो जब हम लोग फ्लाइट में बैठे तो लगा कि थोड़ा
अच्छा फील हो रहा है, अच्छी फीलिंग है। लेकिन तीन चार लड़के जो बैठे थे उन्होंने पूछा कि बाथरूम कहाँ है। तो किसी ने बोला कि उधर है, जो लोग पहले ऑलरेडी बैठे थे जिनके पापा थोड़े अमीर थे, बच्चों को सब लेके जाते थे, हम बुग्गी के पीछे जा रहे, कभी झोटे के पीछे जा रहे, वो ऐसे करके खेलते थे तो पता ही ना। तो फिर एक ने तो उसके बाद फिर उसने पूछा कि टॉयलेट उधर है, लेकिन उसने बोला नहीं मुझे एक नंबर नहीं दो नंबर करना है। तो मैंने कहा हाँ उधर ही है, सब बात कर रहे, नहीं वो तो नीचे चले जाएगी फ्लाइट के नीचे। काफी सारे लोग ऐसे बैठे रहे, नहीं जाना नहीं जाना। आपकी जो अपनी इंडियन क्रिकेट टीम है इसमें सभी प्लेयर्स तकरीबन सब स्टाइलिश हैं। हाँ, जैसे धोनी का और विराट का हेयर स्टाइल बड़ा पॉपुलर रहता है, सुरेश का भी पूरा स्पाइकी देखो आप। हाँ, जेल वेल लगा के पूरा मैदान में जाते हैं। हाँ, अच्छा आपको नहीं लगता कि आपकी लुक्स जो है बहुत आप हैंडसम है, आपकी लुक्स के हिसाब से सुरेश नाम थोड़ा पुराना लगता है? नहीं, मेरे घर में सबके नाम ऐसे। कैसे? मुकेश, राकेश, नरेश, दिनेश, सुरेश। और पाजी मम्मी का नाम है प्रवेश। कितना प्रवेश? मतलब फैमिली को राइमिंग करना काफी अच्छा लगता है, राइमिंग में टाइमिंग अच्छी। वैसे तो कपिल भी बड़ा पुराना नाम पाजी। हाँ। कपिल देव साहब ने वर्ल्ड कप जिता के ना ये इसको दोबारा रिफ्रेश कर दिया। वैसे धोनी का भी देख लो, धोनी ने धोनी ज्यादा फेमस करवा दिया। हाँ। ये तो महेंद्र तो उसका भी 400 साल पुराना है। अरे टीम में सबसे ज्यादा लड़कियों को कौन ताड़ता है? ऐसे ही सभी ताड़ते। इसे कहते हैं टीम वर्क। लड़कियों में क्वांटिटी जितनी मर्जी होती है ना, चार है, एक 11 के 11 ताकेंगे। वेरी गुड। सबसे परफॉर्मेंस होता है भाजी वो। अच्छा, अगर किसी ने रन बनाया तो उसकी तरफ थोड़ा ज्यादा है, तो फिर दूसरे वाले को जोश मिलता है। ओके, अगर आप उस चीज को पॉजिटिव ले लो, 100 बनाया, 5 विकेट लिया, फिर वो जा सकता है। अभी देखा कल वो 5 विकेट के पास थी, बात कर रही है ऐसे करके ऑटोग्राफ। आज 100 बनाया, आज तो बात करेगी। और जो इतना देश के लिए मेहनत करते हैं मैदान में, इतनी इतनी देर प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके बाद अगर कोई थोड़ा इधर उधर देख के एंजॉय कर भी लेता तो क्या है? बुरा था, था, था। अब तो शादी अभी। पर वैसे कई कई बार ऐसे अपने टीम में ऐसे लोग भी होते हैं ना कि जो होते बेचारे अच्छे हैं दिल के, पर ये होता है कि किसी को भी दिल दे बैठते हैं। हाँ। कोई भी खूबसूरत लगे सबसे प्यार करना है भाई, एक आंख से देखना है। ऐसा भी अपनी टीम में कोई है? तब बार बार उधर क्यों देख रहे हो? मैं आपको बताऊं, पाजी की पैनी नजर इतनी है ना, धार्मिक है पूरे ऐसे, पर 20,000 के स्टेडियम में से, क्राउड में से आपको ढूंढ के बता देंगे पहले नंबर वाली कौन सी ज्यादा खूबसूरत है, दूसरे वाली 1 to 10 आपको पूरा सीरियल नंबर बता देंगे। इतनी पैनी नजर इसको, इसलिए पता है क्योंकि ये मुझसे ही पूछने आता है। अच्छा सुरेश जो है खुद क्रिकेटर है, इनकी वाइफ को हमने ऐसा सुना है कि उनको फुटबॉल देखना बहुत पसंद है। तो जब आपका मैच नहीं होता, किसी दूसरी टीम का चल रहा है क्रिकेट मैच और फुटबॉल मैच भी आ रहा है, तो फिर चैनल कौन सा चलता है? फुटबॉल। दो टीवी लगा ली भाजी अभी। तो वो सॉकर देखती है, उसको हॉकी बहुत पसंद है। ओके। और जो बैडमिंटन है वो सब देख। क्रिकेट कभी हॉलैंड कंट्री में हुआ नहीं हो, तो जब मैं उससे मिला भी तो उस टाइम इतना क्रिकेट का वो नहीं था उसको, उसने मुझे पूछा आप करते क्या हो। अच्छा। उसको पता नहीं था कि मैं इंडिया के लिए खेलता हूँ, उसको क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं, फुटबॉल देखती है। हम लोग बीच में बार्सिलोना में हमने मैसी को देखा लाइव। Okay. तो वो एकदम, मैंने कहा मैं भी मैसी हूँ।